तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो बुखारी टिटन लीग का आज के दिन का जो दूसरा मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा फेयर डील डिफेंडर्स वर्सेज द विजन शिपिंग के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आपको भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना है। कल भी भाई दोनों के दोनों मैच आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करके दिए, रिजल्ट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोनों के दोनों मैच जो कल खेले गए थे बुखारी टिटन लीग के, एक तरफा विनिंग आपके भाई ने करवाई थी और यहां पर भाई इन दोनों मैच में भी आपकी एक तरफा विनिंग यहां से होने वाली है। पहले मैच की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, दूसरे मैच की वीडियो अभी मैं बनाने लग रहा हूं। अब अगर बात करें यहां पर इंपॉर्टेंट चीज की, तो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियरली बोल दूं। देखिए भाई, अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो ना, अगर आप फैंटेसी से पैसा कमाने के लिए आए हो, तो चाहे भाई आप मेरी वीडियो देखो या किसी और की, बट आपको नॉलेज पूरी लेनी होगी किसी भी मैच में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। और सबसे बड़ी बात भाई, काफी सारे लोग मतलब आपको उल्लू बना रहे जबरदस्ती, मतलब हर मैच के स्टैट्स वगैरह, स्टैट्स ये लो, स्टैट्स वो लो, स्टैट्स आपको पकड़ा देते हैं कि आप बनाओ भाई टीम, अब करो कुछ, क्या करना है आपको भाई। यहाँ पर स्टैट्स काम नहीं आएंगे, आपके काम आएगा भाई लॉजिक, और क्या लॉजिक काम आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा और उसी लॉजिक के साथ टीम भी बनाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आप कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आपको जैकपॉट विनिंग करनी है तो यहाँ पर भाई एक तरफा विनिंग आपको भाई आपके करवाने वाला है। बस आपको क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना है। तो चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं भाई, इस वीडियो के बाद जो भी मेरी फाइनल अपडेट आएगी ना इस मैच को लेकर, यानी कि भाई टॉस की अपडेट, प्लेइंग 11 प्लस, भाई जो मेरी फाइनल टीम जिस टीम के साथ मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो मिलेगी भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल भाई आपको जरूर से जरूर 101% ज्वाइन कर लेना है। तो जल्दी से भाई चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए भाई और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए भाई यहां पर बात करते हैं दोनों टीम्स की पॉइंट्स टेबल में क्या पोजीशन है। यहां पर अगर बात करें फेयर डील डिफेंडर्स की, तो भाई ये अभी तक अनडिफिटेड रहे मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद आ रहा है भाई। और यहां पर भाई द विजन शिपिंग ने शायद एक मैच आ रहा है, तो ये नंबर 5 पर भाई फेयर डील डिफेंडर्स है, 2 मैच में से 2 जीत रखे। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो विजन शिपिंग की 2 मैच में से 1 जीत 1 हार इनको मिली हुई है। अब अगर बात करें भाई दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भाई आपके लिए देखने लायक काफ़ी शानदार चीज़ है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है कि क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी है। फेयर डील डिफेंडर्स अपना लास्ट मैच भाई विन करके आ रही है अगेंस्ट अजमान हीरोज। तो सबसे पहले भाई इनकी बैटिंग की बात करेंगे, मोहम्मद इमरान ओडी की बात करें ओपनिंग करने आ रहा है भाई, यहां पर 10 रन बनाए, इससे पहले वाले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी। सलमान बाबर ने यहां पर 7 रन बनाए। शहजाद अली की बात करें तो भाई 28 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा मोहम्मद शागिर खान इस मैच में बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए। इसके अलावा सैयद एम सकलन की बात करें तो भाई 13 बॉल पर शानदार 28 रन की नोक इन्होंने खेली। नीचे आके मोहम्मद इमरान ने यहां पर भाई 8 बॉल पर 12 रन बनाए। इसके अलावा भाई यहां पर और किसी ने बैटिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी की, तो यहां पर भाई गेंदबाजी भी इनकी काफी शानदार रही थी। यहां पर अगर बात करें तो मोहम्मद जमीर अब्बासी की बात करेंगे, 2 ओवर में सिर्फ 6 ही रन दिए और 2 विकेट शानदार विकेट निकाल कर लेके गया था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अरसलन जावेद की, तो 2 ओवर में भाई 2 विकेट इन्होंने निकाली। मोहम्मद यासिर की बात करें तो 1 ओवर इन्होंने डाला, यहाँ से भाई 15 रन दिए और विकेटलेस गए। मोहम्मद सागिर खान की बात करें तो 2 ओवर में भाई 1 विकेट इन्होंने भी यहाँ से निकाला था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मोहम्मद इमरान की, तो भाई नीचे आकर 11 रन भी बनाए। इसके अलावा 1 ओवर में 2 विकेट भी निकाल कर लेके गए, जो कि काफ़ी शानदार है। सैयद एम सकलन की बात करें, रन इन्होंने 28 जरूर बनाए थे, लेकिन भाई 2 ओवर में 28 रन ये खाकर भी गए और विकेटलेस गए हैं। अब अगर बात करें भाई यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले भाई हम ऊपर से बात करेंगे, मोहम्मद इमरान ओडी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सलमान बाबर इंपॉर्टेंट रहेगा, शहजाद अली इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा मोहम्मद सागिर खान, ये 4 प्लेयर आपकी टीम में 100% होने ही होने चाहिए। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो ना, तो भाई आप सलमान बाबर शहजाद अली में से किसी एक को ड्रॉप करके सैयद अहम सकलन को अपनी टीम में ले सकते हो। इसके अलावा मोहम्मद इमरान हमारी टीम में रहेगा। नीचे अगर बात करें तो मोहम्मद को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं, क्योंकि बैटिंग गेंदबाजी भाई काफी शानदार करता है, हालांकि लास्ट मैच में कुछ खास नहीं किया है। अब अगर बात करें भाई इनका इनके जो ओपोनेंट टीम में द विजन शिपिंग की, तो भाई यहां पर एक बार उनकी भी बात करनी काफी जरूरी है। तो भाई द विजन शिपिंग अपना लास्ट मैच आर के आ रहे हैं। यहां पर अगर बात करें तो इंटर ग्लोब मरीन के अगेंस्ट में आर कर आ रही है। यहां पर इंटर ग्लोब मरीन भी भाई यहां पर अभी तक अनडिफिटेड है। तो यहां पर पहले इनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं। यहां पर साकिब महमूद 0 पर आउट हो गए, मोहम्मद नदीम 0 पर आउट हो गए, फैज दोंगर राउंड की बात करें तो भाई 9 रन इन्होंने बनाए। इसके
निकला भाई। शहबाज अली की बात करें तो भाई 4 रन इन्होंने बनाए, जवाद गानी ने यहाँ पर भाई 9 रन बनाए, लेकिन भाई जो नीचे आके नोक खेली थी ना जुनैद शमसुद्दीन ने यहाँ पर भाई, ये काफ़ी शानदार नोक थी भाई। इन्होंने 10 बॉल पर 31 रन की अच्छी खासी नोक खेली। इसके अलावा बात करें तो भाई 21 बॉल पर 36 रन बनाए भाई यहाँ पर वाहिद अहमद ने। इसके अलावा भाई साजद मलूक की बात करें तो 12 रन भाई इन्होंने भी यहाँ से बनाए थे। अब गेंदबाजी की अगर बात करें तो भाई आप देख सकते हो साकिब महमूद यहाँ पर भाई एक ओवर की गेंदबाजी की, हालांकि 16 रन दिए और विकेट लेस हुए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इराद अली की तो 2 ओवर में भाई इन्होंने यहाँ से 23 रन दिए और विकेट लेस गए। 2 ओवर डाले भाई शहबाज अली ने और यहाँ पर 2 विकेट भी निकाले। असीम कमल की बात करें तो 2 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाली। मोहम्मद नदीम ओपनिंग प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, शानदार प्लेयर, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। यहाँ पर 2 ओवर में भाई इन्होंने 30 रन दिए और विकेट लेस से गए थे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर साजद मलूक की तो 1 ओवर में भाई इन्होंने 7 रन दिए, हालांकि ये भी यहाँ से विकेट लेस गए थे। अब अगर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से मैं मार्क करूँ तो भाई ऊपर साकिब महमूद बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेगा, मोहम्मद नदीम बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेगा, फैज डोंगरोन को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिए, शहबाज अली को आप अपनी टीम में जरूर रखेगा। 4 रन इन्होंने बनाए, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी भी कर रहा है। जवाद गाने की बात करें तो इन्होंने 7 रन बनाए, वाहिद अहमद ने यहाँ पर 36 रन बनाए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जुनैद शमसुद्दीन की तो भाई इन्होंने यहाँ पर 31 रन की शानदार नोक खेली थी। साजद मलूक भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आपको करके दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डेमो टीम की तो अगेन मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, डेमो टीम मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन भाई जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी ना, वो मिलेगी भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बिना फाइनल अपडेट के विनिंग करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। यहां पर अगर बात करें मोहम्मद इमरान ओडी की, विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहेगा, जरूर से ट्राई कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें अली अबीद की तो भाई अगर ये खेलता है ना तो भाई आप इसे जरूर से अपनी टीम में रख सकते हो, अगर नहीं खेलता तो भाई फिर बात ही अलग है। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें अब्दुल खालिद हमदर्द की तो जीएल मिनी जीएल में ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर भाई मतलब प्लेयर नया, ज्यादा हम अभी इसके ऊपर ट्रस्ट करके नहीं रख सकते। स्मॉल लीग में भाई हम हमेशा ट्रस्टेबल प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे, अगर आपको लंबे टाइम तक विनिंग करनी है तो आप लंबे टाइम तक विनिंग के अगर मकसद से आए तो भाई आप यहां से उसको क्या नाम भाई इसका हमदर्द को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। यहाँ से अगर बात करें तो शहबाज अली हमारी टीम में जरूर 100% रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शहजाद अली हमारी टीम में जरूर रहेंगे। इसके अलावा भाई बात करें तो बाबर गजनफर खेल नहीं रहा था, अदरवाइज इसको भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ से जय शमसुद्दीन को आप ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ से भाई ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा तो भाई यहाँ से या तो आप वाहिद अहमद के साथ जा सकते हो या फिर भाई जवाद गानी के साथ, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी के लिए मैं जवाद गानी को अपनी टीम में ले रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो भाई मोहम्मद नदीम 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा हम शाकिर खान हमारी टीम में रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 10% सिलेक्शन है भाई, इवन सीवीसी का भी अच्छा प्लेयर है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें शहबाज अली की तो इसको मैं अपनी टीम में रखूंगा। नीचे अगर बात करें एस एम सकलन की तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ से मैं मोहम्मद इमरान के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद इमरान हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ताबड़तोड़ इनिंग खेलते, चाहे 10 बॉल खेलने को मिले ये भाई आपको 10 बॉल पर भी 20-30 रन बनाकर दे सकता है, साथ ही 2 ओवर की गेंदबाजी करता है और काफ़ी ज़्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज है। गेंदबाजी सेक्शन में बात करें तो भाई मोहम्मद यासिर हमारी टीम में जरूर रहेंगे। इसके अलावा भाई बात करें तो एस मलूक को आप अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो मोहम्मद जमीर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इसके साथ भी जा सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो जो नीचे आपको फरमान अली दिख रहा है इसे आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भाई अगर यहाँ से बात करें इराद अली की, अगेन भाई जीएल मिनी जीएल में ही हम इसे लेके चलेंगे, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलेंगे। अब अगर बात करें भाई यहाँ से सीवीसी की तो यहाँ से आपके लिए देखने लायक चीज़ है कैप्टनसी, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर मोहम्मद शाकिर खान को दे सकते हो। वीसी की बात करें तो मोहम्मद इमरान अच्छा प्लेयर है आपके लिए। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो शहबाज अली को आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगा। और भाई सबसे अगर आपको डिफरेंशियल जाना है तो भाई मोहम्मद नदीम आपके लिए अच्छा वीसी का ऑप्शन इस मैच में रह सकता है, तो आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। इवन ग्रैंड लीग में तो आप इसे कैप्टनसी दे दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए भाई मेरे सीबीसी यहाँ पर शहबाज अली और मोहम्मद शाकिर खान रहेंगे। फाइनल टीम में हो सकता है मैं कुछ चेंजमेंट आपको करता नजर आ जाऊं और उस टाइम पर जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी ना वो मिलेगी भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फाइनल टीम है ना वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा मैच से, मतलब ट्राई करूंगा 15 मिनट पहले करवाने की, बट भाई इनका टॉस है ना लास्ट 10 मिनट में होता है, तो भाई लास्ट 10 मिनट में मैं आपको टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाओगे ना तो फर्स्ट पिंड कॉमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।